शशि थरूर का बड़ा खुलासा। कौन नहीं चाहता था शशि थरूर लड़े अध्यक्ष पद का चुनाव। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पार्टी के दो बड़े और प्रभावी चेहरों के बीच मुकाबले की तैयारी है। ये वो दो चेहरे हैं जिनके आमने सामने होने से चर्चाएं जबरदस्त हो रही हैं। इसमें पहला चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्हें गांधी परिवार का बेहद भरोसेमंद और करीबी चेहरा माना जाता है, तो दूसरे हैं शशि थरूर, जो एक बड़े विद्वान होने के साथ साथ इस पद के दमदार दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चाहत थरूर में खूब देखी जा रही है। उन्होंने अपने एक बयान में यहां तक कह दिया था कि अगर कांग्रेस में बदलाव का दौर देखना है तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, और अगर परंपरावाद चाहिए तो खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया जाए। अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शामिल शशि थरूर की ओर से एक और बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि कैसे पार्टी के कुछ बड़े चेहरे ये चाहते थे कि थरूर अध्यक्ष पद से दूर ही रहें और चुनाव न लड़े। उन्होंने बताया कि इसे लेकर कुछ नेताओं ने तो बकायदा राहुल गांधी से यहां तक कह डाला था कि वे खुद उनसे इस बारे में बात करें और नामांकन वापस लेने को कहें। थरूर ने बताया कि हालांकि पार्टी के कुछ नेता ऐसा चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। थरूर ने इसके पीछे कारण बताते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि वे इस चुनाव में बने रहें, इसी वजह से उन्होंने थरूर पर नामांकन वापसी का दबाव नहीं डाला। I have faith in the word of my party president and former president who have assured me that not only is there no quote unquote official candidate, but they themselves will remain neutral in this race. And that being the case, it would be shame on those who mistrust the word of their own party president and pretend otherwise. So on this basis, and given the assurance that this has been announced also by the party spokespeople officially and by the election authority chair officially, I am proceeding on the basis that this is an open, free and fair election, that those who have encouraged me to contest on that basis will expect me to give a good account of myself on that basis. Media reports ke mutabik Tharoor ne apne ek bayan mein kaha ki Rahul Gandhi chahte hain ki ve adhyaksh pad ke liye hone wale chunav mein bane rahein taki isse party ko fayda ho. जो नेता इसका समर्थन करना चाहते हैं, उसे करें। थरूर के दावों के मुताबिक राहुल गांधी ने उनके विरोधियों को साफ इनकार कर दिया था कि वो थरूर को नाम वापस लेने के लिए कहेंगे। वहीं हाल ही में केरल पीसीसी चीफ सुधाकरन ने मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन का ऐलान किया था। इस पर थरूर ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि सुधाकरन का बयान मधुसूदन मिस्त्री के सर्कुलर से पहले जारी हुआ था। थरूर ने इस पर स्पष्ट किया कि वे इसके लिए कोई शिकायत नहीं करेंगे। जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के दोनों बड़े नेताओं ने उन्हें ऐसा आश्वासन दिया है कि इस पद के लिए कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं माना जाएगा और वे इसे लेकर तटस्थ बने रहेंगे। इस पद के लिए दूसरे दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस चुनाव को लेकर उन्हें कोई चुनौती नहीं दी थी और न ही उनके साथ वे किसी तरह का वैचारिक मतभेद रखते हैं। इस पद के लिए अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच होगा। इस चुनाव में नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है, जबकि चुनाव 17 को और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।